भद्रावती के भारतीय सेना के जवान की अंतिम शव यात्रा में जनसैलाब उमड़ा। जवान के अंतिम दर्शन के लिए हर वर्ग हर समाज के लोगों का तांता लग रहा है और जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जब जग में तू आया, जग हंसा तू रोया, तू जीवन में ऐसा कार्य कर, जब तू जाए जग रोए तू हंसता जा। कहते हैं कि इंसान की अंतिम यात्रा के दौरान लोगों के लिए उसकी आंखों में झलकते आंसू ही उस इंसान के प्रति प्रेम है और हर इंसान इसे हासिल नहीं कर पाता। एक ऐसा ही नजारा देखने को भद्रावती के जवान के साथ, जब उसकी अंतिम शव यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों के आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ये जवान विनोद रामदास बावने, जो भारतीय सेना में तैनात थे तथा वर्तमान में जम्मू बॉर्डर के नगरोटा इलाके में कार्यरत थे, जिनका सेवा के दौरान अचानक रक्त दबाव बढ़ा तथा उच्च रक्तदाब के चलते वे बेहोश हो गए, जिन्हें बाद में उधमपुर के मिलिट्री दवाखाने में इलाज हेतु भर्ती किया गया। 6 नवंबर को रात्रि के वक्त उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शायद नियति को यही मंजूर था और उनका पार्थिव शरीर भद्रावती के सिंगूजी वार्ड में लाया गया और जैसे ही दुखद समाचार लोगों को मिला, लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए दौड़ पड़े। देखते ही देखते पूरे परिसर में लोगों का तांता लगना शुरू हो गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने उनके घर पहुंचकर परिवारजनों को सांत्वना दी तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण की। आयुध निर्माण के सुरक्षा विभाग के DSP कमांडो पथक के सूबेदार अजीत सिंह तथा गार्ड कमांडर हवलदार आलम हवलदार रामपाल के नेतृत्व में मानवंदना दी गई और इस जवान की अंतिम यात्रा घर से निकलकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जैसे DP चौक, पुराना बस स्टैंड, गांधी चौक, डाक मंदिर के रास्ते हुए शमशान भूमि तक पहुंची। उस दौरान जनसैलाब उमड़ पड़ा और वंदे मातरम, भारत माता की जय, अमर रहे विनोद बावने अमर रहे के जय घोष के साथ लोग श्रद्धा भाव के साथ में जवान विनोद बावने की यात्रा में जय घोष कर रहे थे। पूरा परिसर भावमय हो गया था और बीच बीच में बैंड पथक पर देशभक्ति गीत बज रहा था और हमारे देश का सम्मान तिरंगा ध्वज में जवान का शरीर लपेटा हुआ था। जवान के पार्थिव शरीर को सैनिक दल के साथ अन्य लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उठाए हुए थे। मृतक जवान विनोद बावने के पार्थिव शरीर के साथ में जम्मू नगरोटा के भारतीय सेना के साथी जो हवलदार पद पर कार्य थे, पी कुमार ने शुरू से अंत तक अपनी वफादारी सेना तथा अपने साथी के साथ निभाई। ये दोस्ती जो तकदीर वालों को नसीब होती है। विनोद बावने हे उधमपुर येथे शहीद झालेले आहेत। अशा शहीद वीर पुत्राला पोलीस स्टेशन भद्रावतीतर्फे श्रद्धांजली तसेच प्रशासनातर्फे त्यांना आदरांजली वाहण्यात येत आहे। अमर रहे अशा घोषणा देऊन अंतिम यात्रा निघाली। या अशा घटनामुळे सर्व बावने कुटुंबात सर्व नागरिकांवर आघात झालेला आहे, तो भरून काढण्यासाठी व त्यांना शक्ती देण्यासाठी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। त्यांना शक्ती देऊ, त्यांच्या कुटुंब पुढील कार्यासाठी सतर्क राहे, सतर्क राहे, त्याकरता मी परत एकदा प्रार्थना करतो। जय हिंद। जवान का पार्थिव शरीर उधमपुर से जम्मू तक रेलवे द्वारा, जम्मू से नागपुर तक हवाई जहाज से तथा नागपुर से मिलिट्री कैंप, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ जवान के घर तक पहुंचाया गया। उनकी अंत्येष्टि के दौरान विभिन्न सरकारी विभाग के अधिकारी, राजनेता, बड़ी संख्या में जनसमुदाय मौजूद था। जवान विनोद बावने जो अपने पीछे शोकाकुल परिवार छोड़ गए हैं, उसमें पत्नी, दो बच्चे, माता पिता, भाई बहन, ऐसा भरा पूरा परिवार है। जाने वाले लौट के नहीं आते, रह जाती है उनकी यादें। CTU News की ओर से जवान अमर बावने को भावभीनी श्रद्धांजलि।